أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علی आज़ादी ग्रामी नाजरीन सामिन किराम, अल्लाह तबारक व ताला का पाकीज़ा कलाम किताब लारई बफ़ी सहीफ़ा रहमत किताब शिफा जो रब तबारक व ताला ने अपना आखिरी पैगाम अपने आखिरी नबी नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान ज़ीशान की एक मुबारक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। ये कुरान ज़ीशान की आयत भी है और अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआ भी है। अल्लाह के खलील, अल्लाह ने आपको बड़ा दर्जा अता फ़रमाया, बड़ा मकाम अता फ़रमाया। आपके साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़, चलते जाइए अम्बियाए बनी इसराइल का ये सिलसिला हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जितने भी अम्बियाए बनी इसराइल हैं औलाद याकूब से और औलाद इसहाक़ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से तशरीफ़ लाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ज़रा मुनफरिद है। खाना काबा की तामीर का मौका है। अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत बड़ा एज़ाज़ अता फ़रमाया, बहुत बड़ा इकराम अता फ़रमाया कि खाना काबा को तामीर कर रहे हैं। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, दोनों बाप बेटा खाना काबा की बुनियादों को बुलंद कर रहे हैं। रब ताला फरमाता है, व इद यरफ़ाउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। फरमाया कि जब इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की कवाइद को, फाउंडेशंस को बुलंद फरमा रहे थे, खाना काबा को तामीर कर रहे, बहुत अजीम काम, बहुत आला काम, और जब ये रब तबारक व ताला ने काम अता फरमा दिया, इसको मुकम्मल किया, और मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआएं शुरू फरमा दी। क्योंकि कोई भी इंसान अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो वो कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआएं और इल्तिजाएं करता है। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, सबसे पहली दुआ, रब्बाना रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदाया, सबसे पहले हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। क्योंकि नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, काम कोई कितना भी आला क्यों ना हो, वो आला और उम्दा तब बनता है कि जब रब तबारक व ताला उसे शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। इसलिए ये सबक भी मिला कि इंसान सबसे पहले अल्लाह की बारगाह के अंदर यही इल्तिजा करे, दुआ करे कि ऐ मेरे मालिक व मौला, तो मेरे इस काम को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह के खलील ने पहली दुआ फरमाई, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, खुदाया इसे कबूल मंजूर फरमा। फिर करम नवाजी फरमा, बड़ा मुबारक मौका है, रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। खुदाया हमें भी मुसलमान रखना, हमें भी अपना ताबेदार रखना, और हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी औलाद को, उनमें भी से एक ग्रोह हमेशा तेरी ताबेदारी करता रहे, इस तेरे घर को आबाद करता रहे, रुकू के ज़रिए, सजदों के ज़रिए, तवाफ़ के ज़रिए, जबीद दियाज तेरी बारगाह में झुकाता रहे। या मालिक मौला, तो करम करना हमारी औलाद में से, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाहु अकबर। इससे ये भी पता चला कि बंदा कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं कामिल व मुकम्मल हूँ, बल्कि हर वक्त अपने ईमान की सलामती की दुआ मांगता रहे कि खुदाया तूने ये जो नेमत अता फरमाई है, तेरी ताबेदारी। अल्लाह के खलील से बढ़कर कौन है? अल्लाहु अकबर। वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला, रब ताला फरमाता है कि रब ताला ने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया, उनके सर पर इज्जत व खुल्लत का ताज बनाया, अबुल अंबिया बनाया। लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन, खुदाया तू हमें मुसलमान रखना, तेरा ताबेदार रखना, तेरा फर्माबरदार रखना, और हमें कभी भी इससे महरूम न करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और यही आगे चलकर जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को यही
नसीहत फरमाई कि मेरे बेटो तुमने जो है हमेशा अल्लाह की ताबेदारी पर रहना है, फर्माबरदारी पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को वसीयत फरमाई, इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, सब ने यही वसीयत फरमाई जो अगली आयात तैयबात के अंदर रब ताला ने खुद कुरान के अंदर जिक्र फरमाया, वसा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब या बनी इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह, फरमाया तुम्हारी मौत किस हाल में आए कि तुम ईमान की सलामती लेकर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो। ईमान की सलामती, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, ए खुदाया तू हमें मुसलमान रखना, ताबेदार रखना, फर्माबरदार रखना। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी ज़ुर्रियत और हमारी औलाद को भी ये शर्फ़ अता फरमा। रब्बना 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 व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, ऐ खुदाया तू हमें ये घर तामीर किया है, इसकी जो मनासिक हैं, इबादत का तरीका है, खुदाया वो भी हमें सिखा देना। व तुब अलैना, और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू करना, हमारी तौबा कबूल फरमाना, इसलिए कि इन्नका अंत तवाबुर रहीम, तो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है। फिर आखिर के अंदर मरकजी दुआ फरमाई, तमाम दुआओं की जामे दुआ, आखिरी इल्तिजा, आखिरी दुआ, खुदाया तेरी बारगाह के अंदर तेरा घर तामीर किया, तूने एजाज़ अता फरमाया, कबूल फरमा। आखिरी इल्तिजा ये है कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ खुदाया तू करम नवाजी फरमाना, हमें ये भी एजाज़ दे देना, ये भी इज्जत दे देना कि वो जो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनको हमारी ज़ुर्रियत के अंदर पैदा फरमा देना, हमें ये एजाज़ दे देना, हमें ये इकराम दे देना कि हमारी औलाद में हमारी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के खलील अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतें अता फरमाई, आप तो अबुल अंबिया हैं, फरमाए सारी इज्जतें, सारे इकरामात, सारे एजाजात, सारे मकामात, सारे मौजजात एक जगह, लेकिन नबी आखिर ज़मा का हमारी औलाद में आना ये सबसे बड़ा एजाज़, ये सबसे बड़ा इकराम है। ऐ खुदाया तो करम नवाजी फरमा देना, रब्बाना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम, उस रसूल मुकर्रम को इन्हीं में से पैदा फरमा देना, हमारी ज़ुर्रियत में से, आहले मक्का में से, हमारी औलाद में से। और फिर रब तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कैसे कबूल फरमाया, आपको याद है मैंने औलाद याकूब व इसहाक का जिक्र किया, अंबियाए बनी इसराइल का जिक्र किया, सारे अंबियाए बनी इसराइल हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम तक औलाद याकूब व इसहाक के अंदर तशरीफ़ लाए, एक गोहरे नायाब, एक रब तबारक व ताला की नेमत, रब तबारक व ताला की मिन्नत, आकद जहाँ सल्लम औलाद इस्माईल में से तशरीफ़ लाए, इसलिए कि दुआ अल्लाह के खलील कर रहे थे, आमीन हज़रत इस्माईल फरमा रहे थे, अल्लाह ने दोनों को करम फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि रब तबारक व तआला ने सारी मखलूक को पैदा किया, इन्नल्लाह खलक खलकन, उस मखलूक में से जो बेहतरीन लोग थे, फरमाया उसमें से मुझे पैदा किया, फिर कबीलों के अंदर तकसीम किया, फरमाया बेहतरीन कबीले के अंदर मुझे रखा, फिर फरमाया कि घरों को तकसीम किया, बेहतरीन घरों के अंदर मुझे रखा, फरमाया कि तमाम इंसानियत में कबीले नस्ल हर एतबार घर के एतबार से, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वकद लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमा हर एतबार से सबसे ज़्यादा जो नफीस जमात है उसमें रब ताला ने तुम्हारे नबी को पैदा फरमाया। दूसरे हदीस पाक, फरमाया रब तबारक व ताला ने सारी मखलूक को पैदा किया, फरमाया कि औलाद इस्माईल में से रब ताला ने किनाना को चुन लिया, किनाना में से रब तबारक व ताला ने कुरैश का इंतखाब किया, कुरैश में से रब तबारक व ताला ने बनू हाशिम को चुन लिया, और फरमाया बनू हाशिम में से अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को मबूस फरमाया, हर एतबार से आला, हर एतबार से अफजल। सुभान अल्लाह, तभी तो फरमाया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। हम सब नबियों की इज्जत करते हैं, सब नबियों की तकरीब करते हैं, लान फर्रिकु बैना अहादिम मिन रसूली, हम नबुव्वत व रिसालत व ताज़ीम व मोहब्बत के दरमियान किसी नबी में फ़र्क नहीं करते, लेकिन रही फजल की बात, रही फदीलत की बात,
रही एजाज़ व इकराम की बात, रब ताला फरमाता है तिलक रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हैं, रब तबारक व ताला ने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। खुद रब ताला फरमाता है फद्दलना, हमने फजीलत अता फरमाई।